नौ में अग्निशमन विभाग की एनओसी न होने पर कई नर्सिंग होम के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जनपद के किस नर्सिंग होम के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी न होने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया गया था, खुद सीएमओ साहब ने नोटिस जारी कर एनओसी न देने तक इन अस्पतालों के संचालन पर रोक लगाई है, मगर बावजूद सभी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। नोटिस जारी होने के बावजूद मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, इसके अलावा ओपीडी भी संचालित किया जा रहा है। बता दें कि निजी अस्पतालों के हर साल होने वाले नवीनीकरण प्रक्रिया में जिले के 21 निजी अस्पताल ऐसे मिले थे जिनके पास फायर एनओसी तो दूर अस्पताल में आग से बचाव के उपकरण तक नहीं लगे थे, जिसको लेकर किए गए आवेदन के बाद शासन स्तर से कराई गई जांच में इसका खुलासा हुआ है, जिस पर सीएमओ ने इसके आवेदन निरस्त कर दिए थे। इसके बाद भी चोरी छिपे संचालन हो रहा था। दोबारा शिकायत मिलने पर सीएमओ ने 21 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए सभी लापरवाह निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया था और नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई चेतावनी दी थी, लेकिन हकीकत की सारी कवायद अब तक कागजों तक सीमित है। दरअसल सीएमओ कार्यालय से महज 50 कदम की दूरी पर संचालित चरक हॉस्पिटल को भी बंद करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद निजी अस्पताल संचालित हो रहा है। ये 21 नर्सिंग होम्स की पत्रावली आई थी नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए, इनके साथ फायर एनओसी की पत्रावली में संलग्न नहीं थी, इसलिए इनका रिन्यूअल रिजेक्ट किया गया पोर्टल पे और इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। और विगत पिछले 3-4 दिनों में 21 में से 6-7 लोगों की फायर एनओसी आ चुकी है। इन लोगों को जो रिजेक्शन का लेटर था, पत्र था, वो इनको रजिस्टर डाक से भेज दिया गया है और एक दो दिन में हम लोग संभवतः अगले हफ्ते से हम लोग कार्रवाई शुरू कराएंगे। पहले हम लोग निर्देश यही कि स्वतः बंद करते जब तक इनकी एनओसी नहीं मिलती, फायर एनओसी प्राप्त नहीं जाती, अन्यथा अगले सप्ताह से हम लोग इनकी कार्रवाई शुरू कराएंगे। सर, कुछ हॉस्पिटल इस आदेश का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मैंने वही आपसे कहा, हमने रजिस्टर डाक से नोटिस इनको सबको भेजी है और उनको निर्देश ये है नोटिस में कि स्वतः बंद कर दें, अगर नहीं बंद करते तो अगले सप्ताह से हम कार्रवाई शुरू कराएंगे, जाँच करना शुरू करेंगे। वहीं सीएमओ की ओर से नोटिस जारी होने के बाद जिले के कुछ निजी अस्पताल अपनी कमियों को दूर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अस्पताल बंद होने से आसपास के मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सीएमओ साहब कैसे नोटिस आई थी, कि आपकी फायर एनओसी लेके आई है, फायर एनओसी भी मिल नहीं पाई है, इस वजह से हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। अच्छा, मरीजों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? मरीजों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हमारे पास स्पेशल भी है, आग बुझाने का सिस्टम भी लगा हुआ है, पूरा सिस्टम एफएसओ साहब लगवाए गए थे 2 साल पहले, लेकिन अब मानक के हिसाब से इन्होंने बताया कि मतलब कमी है, उसका काम हम करवा भी रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल बना के निर्देश दिया गया तो उसके लिए उसका पालन भी किया जा रहा है। कब से कितने दिन होंगे? अभी 21 तारीख से बात करो आपके सीएमओ साहब से या फायर स्टेशन वाले अधिकारी से बात हुई? फायर स्टेशन वाले से बात हुई थी, कल बात हुई थी एफएसओ साहब से, उनका तो आप एप्लीकेशन लिखवा दीजिए सीएमओ साहब को, तो सीएमओ साहब पास हम गए थे तो मिले नहीं थे, तो वहाँ पे रिसीव कराएं एप्लीकेशन कि अब आप इंस्ट्रूमेंट है, आग बुझाने के साधन है, लेकिन फिर भी हम जो कुछ कमियाँ हैं उसको हम पूरी कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी कुछ नहीं, वहाँ से तो आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है, हम एप्लीकेशन दिया थे लेकिन अभी तक जो है कोई अभी उसका सूचना नहीं है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में अपार्टमेंट, होटल, कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल के साथ सरकारी भवनों तक में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, ज्यादातर के पास एनओसी नहीं है, इसका ही नतीजा है कि आए दिन कहीं न कहीं से आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको देखते हुए उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट तो दिखाई दे रहा है, मगर सख्त निर्देशों के बावजूद निजी अस्पतालों के संचालन विभाग को अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है शासन और प्रशासन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।